तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप घर से करके लाइएगा। इसको मैंने होमवर्क के रूप में आपको दे दिया था, और मैं थोड़ा SM का पहला यूनिट थोड़ा लेंथी है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा खिंचवा रहा हूँ आपका, ज़्यादा इन द सेंस लगातार इसकी क्लास ले रहा हूँ। सर्वे की क्लास एक आध दिन में चालू कर देंगे वापस, है ना, क्योंकि सर्वे 70% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। तो अपन ने यहाँ देखा था कि मैंने आपसे कह दिया था कि भाई ये मैंने आपको घर से करने के लिए दे दिया था, कर लिया होगा शायद आपने, नहीं किया तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अपन ने देख लिया था ये कि ऐसे लोड लग रहे हैं, एक लोड लग रहा था ऊपर से, एक लग रहा था नीचे, तो समीशन वर्टिकल इज इक्वल टू 0 किया था, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। अभी मैंने सारी रिएक्शन नीचे से ही मान रखी है, तो मैंने ये माना था कि भाई आर ए प्लस आर बी प्लस 20, ये तो अपवर्ड है, और एक माइनस 20 लग रहा है तो 0, तो आर ए प्लस आर बी बराबर मेरा 20 किलोन्यूटन आ गया था। तो आर ए प्लस आर बी मेरा 20 किलोन्यूटन आ गया, ठीक है ना, इसका सॉरी आपका आर ए प्लस आर बी मेरा क्या आ गया, 0 किलोन्यूटन आपका आ गया। तो मेरा रिएक्शन दोनों के ऊपर 0 किलोन्यूटन आ गई। अब मैं कल भी आपसे डिस्कस किया था कि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि लोड लग रहा है और सपोर्ट पर रिएक्शन ही नहीं आया, तो इसको मतलब तो ये हो गया कि जब सपोर्ट पर रिएक्शन ही नहीं है तो ये तो बस लोड लोड लगा रहे हैं, तो सपोर्ट तो ले ही नहीं रहा, 20 ऐसे लगा दो इसको और 20 ऐसे, ये दोनों सपोर्ट, तो ये तो इसको हवा में रोक रहे हैं। तो भाई हवा में रुक सकती है कि, तो पहली बात तो आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि भाई कभी भी सपोर्ट पर रिएक्शन 0 आपका होगा दोनों पर, कुछ हो सकता है किसी एक सपोर्ट पर 0 हो जाए क्योंकि एक तरफ से उठ रहा हो सकता है, तो लेकिन कहीं ना कहीं तो सपोर्ट किसी पर तो लेगा, तो सपोर्ट पर अगर 0 आ रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस आपका आएगा। तो मैंने यहां पर किया मोमेंट एट ए पॉइंट, ए पर ले लें भाई, ए पर अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव मतलब साइन कन्वेंशन से, तो आर इनटू तो 0 हो जाएगा, आर इनटू 0 प्लस आर बी, आर बी मैंने अपवर्ड माना है, तो 3 और 5 8 3 11 माइनस ए से सबकी दूरी ले लो ना, ए से बी 11 था, 20 कितना है 3 है, तो माइनस ये डाउनवर्ड जो 20 वाला है 20 इंटू 3, और ये अपवर्ड है तो इसलिए प्लस 20 इंटू कितना है वहां से ए से 8 मीटर है, तो 20 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, तो मेरा आर बी इंटू 11 माइनस 60 प्लस कितना हो गया 20 अट्ठा 160 0, तो आर बी बराबर मेरा कितना निकल के आ गया भाई, ये आर बी यहाँ आर भी बराबर निकल के आ गया 11 बराबर उधर जाकर -100, तो आर भी बराबर माइनस के 11.11 किलोन्यूटन आ गया। माइनस ये दिखाता है कि आपने साइन गलत माना है, ये ऐसे आनी थी, ये डाउनवर्ड रिएक्शन आती है आप, मतलब ये क्या दिखा रहा है कि आपका माना गया साइन गलत है, ये वास्तव में कैसे आना था भाई, ऊपर से ये आपका लगना था, तो आपने गलत साइन मान लिया, ये रिएक्शन डाउनवर्ड होनी थी। इसको वहां रख दीजिए, आर ए में रख दो, तो आर ए क्या हो जाएगा, आर ए प्लस जो है -11.11 इज इक्वल टू 0, तो आर ए की वैल्यू 11.11 प्लस क्या आ गया, तो 11.11। तो आपने देख लिया ना किस तरह से आर ए और आर बी, तो जब भी दोनों सपोर्ट अगर 0 दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये होगा। अब इसका मैं थोड़ा जल्दी रफ वो बना रहा हूँ क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं है ये आपके, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन अब ऐसे तो बहुत कितना भी पढ़ लो SFD BMD में खत्म ही नहीं होगा, अपन जो एग्जाम में पूछेंगे उस टाइप के क्वेश्चनों पर जाएंगे तो ये ज्यादातर उसका पार्ट ना के लगभग नहीं है उसके पार्ट का। तो अपन ने देखा कि अगर मैं देखता तो इसका SFD कैसे बनता, देखो ए पर मेरा 11.11 ऊपर की तरफ है, तो मैं 11.11 ऊपर की तरफ गया, 11.11 11.11 किलोन्यूटर, यहां से आज तक कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है भाई, मैं नीचे की तरफ आया, कितना डाउन है जी 20 डाउन है जी, तो 20 नीचे की तरफ आ गया जी, तो जब ऊपर 11.11 खड़ा हूं तो नीचे कितना आ जाऊंगा भाई 8.89,
नीचे आ गया 8.89। नीचे कितना आ जाऊंगा सर? नीचे आ जाऊंगा मैं 8.89। क्योंकि टोटल तो 20 ही चलाओ ना, 8.89। यहां से आता कोई लोड नहीं जी, हॉरिजेंटल गया साहब, 20 किलोन्यूटन ऊपर लग रहा है जी, यहां से चला जी 20 किलोन्यूटर, तो फिर मेरा 8.89 तो ये, और 11.11 जी यहीं पहुंच गया, मतलब लगभग इसके बराबर। फिर जी हॉरिजेंटल चला, ये डाउनवर्ड रिएक्शन, तो ये इसका क्या बन गया है भाई? एसएफडी डायग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? एसएफडी डायग्राम बन जाएगा। ऐसे इसका आप देखिए खुद बना लीजिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैं रफ बना देता हूं कैसे बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैं आपको इसमें रफ बना देता हूं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। कैसे बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? देखो ये जीरो एंड है, ये भी जीरो, यहां पर ये आएगा नेगेटिव। मैं अभी बता देता हूँ नेगेटिव क्यों आएगा, ये नेगेटिव आएगा। मैं तो बता देता हूँ आपको कितना क्या बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा वो से। हालांकि मैं, चलो मैं अभी करा भी देता हूँ यार आपको, मेरी आदत ऐसी है कि फिर थोड़ा, और ये ऐसे, तो ये कुछ ऐसे बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, देख लो ये क्यों बना है ऐसा, इस तरह का बनेगा। मैं अभी इसको हटा के आप खुद देख लीजिए ऐसा बनाइए क्यों बनेगा ये ऐसा। देखो मैंने यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना चाहा, क्या देखना चाहा मैंने यहां पर? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना चाहा, एम ए जीरो और एम बी जीरो। क्यों जीरो है? दोनों ऐसे एंड है, सिंपली सपोर्टेड एंड है भाई। नेक्स्ट देखिए एम डी, एम डी डी पर निकालना चाह रहा हूं, या तो लेफ्ट से ले लो या राइट से ले लो, तो भाई राइट से ले लो, राइट से ज्यादा सिंपल पड़ रहा है। तो ये मेरी रिएक्शन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो सीधा क्या आ जाएगा आपका? माइनस, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड है, तो माइनस क्या आ जाएगी भाई, क्योंकि डाउनवर्ड है ना, माइनस आर बी इंटू कितना? 3, आर बी इंटू 3। अब यहां देखो एम डी, एम डी बराबर माइनस, तो ये माइनस के 11.11 इंटू 3 बराबर, एम डी बराबर हो गया माइनस के 33.33 किलो न्यूटन मीटर। कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं भाई, यहाँ आर बी माइनस आ गया, यहाँ पर आर बी आ गया माइनस। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली है ऊपर से भाई, माइनस यही तो बताना चाह रहा है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड लोड लग रहा है, तो अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली तो फिर हमेशा यहां से प्लस उठाऊंगा। तो मैंने जब नीचे की तरफ डायरेक्शन, भाई ऊपर नीचे की ऐसे की जगह ऐसे लग रहा है, तो अब ये माइनस, यही तो बता रहा था कि आपने डायरेक्शन गलत मान लिया। अगर आप ऐसे कर पहले लेके चलते थे माइनस आता ही नहीं, तो माइनस तो ऐसे, ये बता रहा था तो मैंने डायरेक्शन बदल ली, तो अब सीधा ही मैंने क्या किया था भाई, डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव लेता हूं, तो नेगेटिव इंटू 3 कर दिया था। तो अब तुम कहीं ऐसे मत सोच लेना कि माइनस तो साफ हुआ और माइनस यहां से, अरे भाई इसने तो यही कहा है कि आपका ऊपर की जगह नीचे से लग रहा है, मतलब नीचे की जगह ऊपर से लग रहा है, तो सीधा अब यहां से प्लस ही उठाना था। अगर मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करता, मैं यही रहने देता, ये वाली डायरेक्शन ही रहने देता, मैं उसकी बात नहीं मानता, मैं यही रहने देता कि जी मैं तो यही लूंगा, तो फिर आपका देखिए क्या आता, एम डी। अब आपका ये अपवर्ड मानते हैं इसको, तो आप कहते हैं कि जी आर बी इंटू 3, जब आप अभी डायरेक्शन चेंज नहीं करे तो फिर यहां से माइनस उठाओगे, तो -11.11 इंटू 3, बात तो वही आएगी, माइनस के 33.33 किलो न्यूटन मीटर आ गया। कहने का मतलब इतना सा समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने क्वेश्चन में डायरेक्शन को बदल लिया है तो फिर यहां इस माइनस को नहीं उठाना है, अगर मैंने डायरेक्शन को नहीं बदला है तो आप माइनस को उठाकर लेके जाओगे, ठीक है ना? तो ये मेरा एम डी आ गया, उधर से भी निकालना चाहते तो उधर से भी निकाल लेते, आप निकाल लेना आर ए इंटू 8 माइनस 20 इंटू 5, भाई उधर से भी निकाल सकते थे, आर ए इंटू 8 माइनस 20 इंटू 5 करके देख लेना, उतना ही आ जाएगा।
उतनी वैल्यू आ जाएगी, 33.33 माइनस के 33.33 ही आ जाएगी। आप करके देख लिए, आ रहे आपका 11888 हो गई, और ये आपका आपका 20 × 5, आर ए की वैल्यू कितनी थी, 11888, और ये 20 × 5 कितना आ रहा है, ये आर ए × 3, आर ए की वैल्यू 11.88, ओके आर ए × 3, तो इसकी वैल्यू में कहीं कोई गड़बड़ हो गई, 5 × 3 = 8 × 3 = 11, वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए। अच्छा अपन कहाँ निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, आर ए मेरा आ रहा है 11.11, तो 11888 और माइनस 20 × 5 = 100, कहीं कुछ थोड़ा सा मिनी मिनी मिस्टेक लग रहा है मुझे, आर ए या तो मेरी रिएक्शन में कहीं गलत हुआ है, रिएक्शन आर ए × 0, आर बी × 11 माइनस, ये था माइनस 20, मोमेंट एट ए पॉइंट लिया है ना, तो आर ए × 0, आर बी × 11 माइनस 20 × 3 और माइनस 20 × 8, 8 × 2 = 16 और माइनस 60, माइनस आर बी आपका आ गया माइनस के 11.11, ये भी सही है, ये भी सही है, रिएक्शन तो यार ये सही है, फिर ये उधर से सही क्यों नहीं आ रहा, ये चेक करना है कितनी आ रही है, एम डी की वैल्यू बराबर ही आनी चाहिए दोनों तरफ से, आर ए ग्यारह पॉइंट ग्यारह ग्यारह कहीं कोई मिनी मिस्टेक हो रही है तो अपन से, चलो इधर से करके देखता हूँ, मैं वापस करके देखता हूँ आपको, ये कितना हो गया 11.11 × 3 33 आना चाहिए, ये 11888 बाण में, दोनों तरफ से वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए, क्यों गलत हो रहा है यार मेरे से, मोमेंट ले रहा हूँ डी पर, आर ए × 8 आ गया और 20 × 5 बिल्कुल सही कर रहे हैं सब कुछ, क्यों फिर ये वैल्यू नहीं बैठ रही है आपका 11888 ग्यारह ही है ना भाई, आ रही की वैल्यू 11888 और माइनस 100, ये 11.11 एम डी राइट से और करके देखते हैं, क्योंकि वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहीं हमसे कोई ना कोई माइनर मिस्टेक हो रही है, चलो अभी एक सेकेंड और देखता हूँ आगे चल के, कहीं ना कहीं कोई माइनर मिस्टेक हो रही है जिससे वैल्यू में कहीं दिक्कत है, मैं अभी अगर मैं लू एम सी लू तो उधर से तो आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी उधर से आपकी आर ए × 3, आर ए × 3 आ जाएगी, भाई 3, तो आर ए की वैल्यू कितनी है 11.11, तो 11.11 × 3, तो एम सी हो गया मेरा 33.33, वही 33.33 किलो न्यूटन मीटर। अगर मैं इधर से लूं, राइट से लूं एम सी, तो मेरा एम सी क्या हो जाएगा भाई, मेरा हो जाएगा सी पर 11.11 × 8, 11.11 × 8, आर बी × 8, 8 ही है, आर बी × 8 माइनस ओहो ये ओके माइनस ये कितना आ रहा, हाँ इसलिए नहीं बैठ रहा ना, अब समझ आ गया ना क्यों नहीं बैठ रहा, बेसिकली क्या है कि ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट यहाँ इसमें मोमेंट्स और क्रिएट कर रहा है ये, तो ये मोमेंट और काउंट करना था अपन ने बीच वाले पे, तब जाके ये वैल्यू आती, इसलिए एक की तरफ से आप देख लीजिए 33.33 किलो न्यूटन मीटर आपकी आ गई। तो जो मैंने अभी बताया था, देखिए ये तो जीरो है, ये माइनस का 33 है, प्लस का 33 है, तो ये इनको बस मिला भर दीजिए, तो ये 33 किलो न्यूटन मीटर प्लस का था और ये 33 किलो न्यूटन मीटर माइनस का था, भाई यहाँ पर मोमेंट को और काउंट करेंगे अगर आपको लेके चलना है, तो इसलिए ये वैल्यू दोनों तरफ से सेम नहीं बैठ रही है, तो ये
इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपके आएंगे भी नहीं, लेकिन रफ डायग्राम आपको सब पता होना चाहिए धीरे धीरे कि कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सिंपल सिंपल जो केस आएंगे, सिंपल सिंपल इन द सेंस जिनको आप डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन किए कर सकते हो, उनको उनके बारे में आपसे डायरेक्ट फिक्स वैल्यू पूछता है। मैं धीरे धीरे आपको सारे केस कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट अब इसमें देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट कि भाई कोई भी नेक्स्ट केस अपन जो आपने सिंगल स्टैंडर्ड केस है कि ये मेरा कोई बीम है जी, ये मेरा बीम है, इसके ऊपर मेरे लोड लग रहे हैं, ग्रेजुअली बेरिंग लोड लग रहा था, ये ग्रेजुअली बेरिंग लोड यहां आते आते इस तरह से आपका हो गया था, ये डब्ल्यू रनिंग पर मीटर का लोड लग रहा था, ये मेरा ए सपोर्ट था, ये मेरा बी सपोर्ट था, ए और बी सपोर्ट थे। सबसे पहले मैंने टोटल लोड देखा, इसमें टोटल लोड कितना हो जाएगा, तो मेरी टोटल लोड की बात आ गई थी। टोटल लोड जो है मेरा ट्रायंगल जैसा है, एल स्पान है, इसका स्पान एल है, एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई, तो क्या हो गया डब्ल्यू एल बाई टू आपका हो गया। अब इसमें मैं देखना चाहूं कि भाई इसमें शियर फोर्स का आपका कहां पर अपना साइन चेंज करेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां होगा, तो इसकी जब मैं शियर फोर्स देखूंगा तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन निकालनी पड़ेगी मुझे। मैंने टोटल लोड ले लिया, मोमेंट ले लूं ए पर, मोमेंट एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पर मोमेंट ले लो आप। मैं फिर बोल रहा हूं इनके अभी तो मैं सॉल्व करा रहा हूं, लास्ट में टेबुलर फॉर्म में सबको लिखूंगा और सबके डाटा डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको। अभी तो मैं इनको सबको डिटेल डिटेल करा के आपको लास्ट में टेबुलर फॉर्म बनाऊंगा, टेबुलर टेबल को आपको सॉल्व कराऊंगा, तो टेबल में आपको सीधे इनके डाटा याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो मोमेंट एट ए की जब मैं बात कर रहा हूँ, ए पर मैंने मोमेंट लिया तो मेरा क्या हो जाएगा, आर ए इंटू जीरो प्लस आर बी इंटू आर बी इंटू एल माइनस क्या होता है इसका, आपका इसका क्या होता है आपका मोमेंट कैसे लेते हैं, ग्रेजुअली वेरिंग लोड का मोमेंट कैसे लेते हैं, टोटल लोड इंटू सी जी ऑफ लोड फ्रॉम मोमेंट पॉइंट, मोमेंट पॉइंट से क्या है सी जी की डिस्टेंस इसका, तो आप देख लीजिए टोटल लोड तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू है ही, एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई, तो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू सी जी ऑफ लोड फ्रॉम मोमेंट पॉइंट। देखिए मोमेंट पॉइंट मेरा ए है, ए से सी जी कितनी दूरी पर होगी, मैंने उस दिन ही आपको इनमें करा दिया था कि ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है तो इसकी जो सी जी होती है वो टू बाई थर्ड होती है, इस स्पान का टू बाई थर्ड हो जाएगी, तो टू बाई थर्ड इंटू स्पान, और इधर से कितनी हो जाएगी, इधर से हो जाएगी स्पान वन बाई थर्ड ऑफ स्पान, ये इसकी सीजी होती है। मैं ए से ले रहा हूं तो ए से इसकी सीजी देख लीजिए, ए से कितनी दूरी पर हो जाएगी आपका, मोमेंट पॉइंट ए है ना, तो ए से क्या हो जाएगी टू बाई थर्ड इंटू स्पान, दो से दो कट गया इज इक्वल टू द जीरो तो था ही, तो आर बी इंटू एल बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई थ्री, एक एल से एक एल और कट जाएगा तो आर बी आ गया डब्ल्यू एल बाई थ्री, इसको उसमें से घटा दीजिए कितना आएगा, अगर वैल्यू में घटा के निकालना भी चाहूं तो मेरा कितना हो जाएगा भाई, मेरा आर ए प्लस आर बी जो है, मैंने ये टोटल लोड पढ़ा था तो ये आर ए प्लस आर बी के ऊपर आया था, ये डब्ल्यू एल बाई टू दोनों सपोर्ट मिल गए तो ले रहे हैं, तो मेरा ए बी तो आ गया, ए कितना निकल कर आ जाएगा, आर ए कितना निकल कर आ जाएगा, आर ए प्लस डब्ल्यू एल बाई थ्री बराबर डब्ल्यू एल बाई टू, तो आर ए बराबर डब्ल्यू एल बाई थ्री सॉरी डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री, क्या कर लेंगे छह लघुत्तम ले लेंगे, सिक्स लघुत्तम ले लिया, थ्री डब्ल्यू एल माइनस टू डब्ल्यू एल, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स आपका हो जाएगा, तो मेरी आर ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर। मैं आर ए को भी लिख सकता हूं कि भैया मेरा आर ए जो है वो डब्ल्यू एल बाई सिक्स है। अब तुम अगर कहते नहीं साहब मैं तो
मोमेंट ए पर नहीं लेना चाह रहा था, मैं तो मोमेंट बी पर लेना चाह रहा था। देखो मोमेंट एट बी से भी सॉल्व कर सकते थे, मोमेंट एट बी, बी पर जब आप इसको लगा रहे हैं तो बी पर भी इसको सॉल्व कर सकते थे। बी पर लगाने के बाद कैसे सॉल्व करने वाले हो, मोमेंट एट बी मैंने देख लिया तो मैं ए की जगह बी पर लूंगा, तो आर बी इंटू तो जीरो प्लस आर ए, आर ए इंटू सॉरी आर ए इंटू क्या है एल, आर ए इंटू एल माइनस टोटल लोड डब्ल्यू एल बाई टू इंटू सी जी। सी जी आप दे लिख रहे हैं, मोमेंट पॉइंट बी ले रहे हैं तो बी से, तो बी से कितनी दे रही है एक बाई थर्ड, 1/3 इंटू एल। तो देख लीजिए यहाँ आर ए इंटू एल बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स, एक एल से एक एल काट दो तो देखिए आर ए की वैल्यू आई कि नहीं आई आपकी, आर ए मेरा डब्ल्यू एल बाई सिक्स आ गया, आर ए मेरा निकल गया था तो आप आर बी भी निकाल लेते। तो आपकी मर्जी है कि आपको मोमेंट ए पर लेना है या बी पर लेना है, कोई भी एक पॉइंट पर मोमेंट को लेकर अपन उसकी क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शंस को निकाल सकते हैं। अब मैं ये देखना चाहूं कि पोजीशन वेयर शेयर फोर्स चेंज इट साइन, की भाई मुझे वो पोजीशन बताओ जहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, तो मैं क्योंकि वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। अब आपसे कहे कि भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है या शेयर फोर्स बताना है, देखो शेयर फोर्स के लिए तो कोई लफड़ा ही नहीं इसमें, शेयर फोर्स में एसएफडी डायग्राम बनाना चाहूं, फोर्स ऑफ ए, फोर्स ऑफ ए पर मेरा कितना आ रहा है आर ए की बराबर है, ऊपर की तरफ गया आर ए, आर ए कितना था ए पर कितना था डब्ल्यू एल बाई सिक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट सीधा ही बी पर आके लेना है यूडीएल की तरह, बीच में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा एफ बी, एफ बी क्या आ जाएगा देखो डब्ल्यू एल बाई सिक्स तो आप ऊपर खड़े हैं ए वाला, यूडीएल के कारण माइनस डब्ल्यू एल बाई टू चलेंगे भाई, डब्ल्यू एल बाई टू यूडी इसके ग्रेजुअली वेरिंग लोड के कारण आया, और फिर मेरी बी पर रिएक्शन है, बी पर मेरी रिएक्शन है डब्ल्यू एल बाई थ्री, तो फाइनली तो एफ बी जीरो हो गया, यूडीएल की तरह ही पॉइंट लगने। तो आप ये देखिए कि मैं अगर आपसे कहूं कि भाई ये मेरा ये बीच का तो कुछ है ही नहीं आप कहीं, तो मेरा ए पर आया था डब्ल्यू एल बाई सिक्स और यहाँ पर आ गया जीरो, लेकिन भाई मैंने बताया था ना पहले आप जैसे यूडीएल में किया था इसमें से ये और घटा के देखो, पहले डब्ल्यू एल बाई सिक्स खड़े थे यूडीएल के कारण, जहां भी आके रुकेगा यूडीएल तो कहीं लाके छोड़ रहा है, तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स में से डब्ल्यू एल बाई टू घटाया था तो माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री बचेगा, ये यहाँ लाके छोड़ा था इसने और फिर डब्ल्यू एल बाई थ्री इसको यहाँ से यहाँ ले गया। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से चलता है, इस तरह से इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से चलता है, पैराबोलिक स्क्वायर पैराबोलिक शेप होती है इसकी। अब मेरे को क्या करना है इसमें, मेरे को निकालना है कि कहां पर शेयर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरा कितना होने वाला है, वो मैं यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूं। तो मैं यहां कहूं कि भाई मुझे ये बताओ कि शेयर फोर्स ने कहां पर आपका साइन चेंज किया है, पोजीशन वेयर शेयर फोर्स ही चेंज इट साइन। तो मैं अगर इसमें निकालना चाहूं कि पोजीशन वेयर शेयर फोर्स चेंज इट साइन, इसने आपसे कहा कि पोजीशन वेयर शेयर फोर्स इट चेंज साइन, क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, तो ये कहता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये कहता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां पर डेवलप होता है जहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है।
भाई ये मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, और आपको खुद नोट्स बनाने इसके है ना, क्योंकि बच्चे लिखने में बाकी सर्वे के कंक्रीट के धीरे धीरे मैं अभी आपको ग्रुप पे वहाँ डाल भी दूंगा। कोशिश यही कीजिए सारे सब्जेक्ट के नोट अपने हैंड रिटन बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। एसएम के नोट्स में बिल्कुल नहीं डालूंगा आप लोगों को, आपको खुद को बढ़ाने इसके नोट्स, क्योंकि बच्चे लिखने में बहुत गलतियां करते हैं और मैं क्लास में पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, है ना। ये तो मैं आप लोगों के लिए वापिस कम टू बैक होके आया हूँ कि चलो बच्चे कह रहे हैं कोई बात नहीं भाई इनके लिए ऐसे हम पढ़ा देते हैं, सर आप पढ़ा दो आप पढ़ा दो, तो ठीक है इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये कह रहा है कि भाई ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां पर डेवलप होता है जहां पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है। तो आप मेरे को पोजिशन ऑफ शियर फोर्स चेंज इट साइन निकाले। देखो लास्ट के कल के क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, मतलब वहां से थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि भाई अपन ने कैसे इसको अपन कर सकते हैं। ये मेरा कल एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने क्या निकाल लिया था, जिसमें मैंने निकाला था कि भाई डिटरमाइन पोजीशन वेयर शियर फोर्स इज चेंज इट साइन। तो यहां तो मेरे पास एक बहुत दो ट्रायंगल बन रहे थे मेरे पास बराबर, एक ये था और एक ये था, इसलिए मैंने दोनों ट्रायंगलों के आधार बटे लंब बराबर करके मैंने इसकी एक्स की वैल्यू उस दिन कैलकुलेट कर ली थी। अगर मैं इसमें ये नहीं करता तो दूसरा भी तरीका था इसमें निकालने का। दूसरा कैसे निकाल सकते थे भाई, सीधी सीधी बात है, जहां पर शियर फोर्स जीरो हुआ, ये करा वेयर शियर फोर्स इज जीरो, जहां पर शियर फोर्स जीरो होगा देयर अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स होंगे, या अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू जीरो हो जाएंगे भाई। अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, तभी तो यहां जीरो। तो अपवर्ड तो कितना था यहां पर, देखो डब्ल्यू एल बाई टू था, डाउनवर्ड कितना था मुझे नहीं पता कहां पर चेंज कर रहा है। तो मैंने ये मान लिया था कि यार एक्स डिस्टेंस पर किया है तो डब्लू इंटू माइनस डब्लू सॉरी आपका डब्लू इंटू क्या हो गया था, एक्स हो गया था इज इक्वल टू जीरो। भाई डब्लू से डब्लू काट दीजिए, देखो एक्स बराबर मेरी एल बाई टू निकल के आ गई, कि एक्स बराबर एल बाई टू पर ये अपना क्या करेगा, साइन चेंज करने वाला है। बात समझ गए ना, इस कॉन्सेप्ट की जगह मैं ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकता था कि जहां पर शेयर फोर्स साइन चेंज करेगा वहां अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। तो अपवर्ड अपवर्ड पे तो मेरे को पता ही भाई इधर की तरफ रिएक्शन घड़ी थी तो डब्ल्यू एल बाई टू, डाउनवर्ड यहां से याद क्योंकि इधर के फोर्स लेने थे ना मेरे को, तो इधर अपवर्ड तो ये था डब्ल्यू एल बाई टू और डाउनवर्ड इस यूडीएल के कारण आ रहा था, तो ये W इंटेंसिटी का, और मैंने ये x डिस्टेंस मान ली थी तो W इंटू x, तो x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी। यही कॉन्सेप्ट आप इस वाले क्वेश्चन में लगा दीजिए भाई, यही कॉन्सेप्ट आप इस वाले क्वेश्चन में लगा दीजिएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं कि कहां पर ये कह रहा है कि क्या होने वाला है भाई, यहां पर ये कह रहा है कि जहां पर तो वही अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वहां पर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा भाई, वहां पर जीरो है। अपवर्ड फोर्स मतलब मुझे नहीं पता कहां कर रहा है, मैंने तो देखा यहां करा है, ये यहां पर किया है भाई इसने, यहां किया है तो मैं इसको अगर ऊपर लेके जाऊं तो कहीं ये पोजीशन फॉर एग्जांपल कहीं यहां आ रही है, यहां पर इसने अपना साइन चेंज किया है जहां पर जीरो फोर से, इधर से ये डिस्टेंस एक्स ले लूं मैं, एक्स डिस्टेंस पर ले रहा है, एक्स डिस्टेंस पर, तो मेरा क्या हो जाएगा अपवर्ड पर, इधर इधर के लेना है जिधर से मैंने ये कर लिया भाई, इधर इधर के फोर से लेना है जो मेरा इधर से ये आ गया, तो इधर एक तो रिएक्शन है, रिएक्शन तो मुझे अपवर्ड है, रिएक्शन तो मुझे पता ही एक कितनी आई थी भाई डब्ल्यू एल बाई सिक्स आई थी, तो ये तो अपवर्ड हो गई डब्ल्यू एल बाई सिक्स, माइनस डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इस एरिया का लेना है भाई, इस एरिया का फोर्स लेना है भाई डाउनवर्ड, इसके कारण ही तो डाउनवर्ड आया है, तो ये एरिया कितना होगा। पहली बात तो देखो मैंने उस दिन इसकी लोड इंटेंसिटी सिखा दी थी कि किसी भी जगह पर इसकी लोड इंटेंसिटी डब्ल्यू एक्स अपॉन एल होती है,
इस वाले कंडीशन में लोड इंटेंसिटी कितनी होती है? किसी भी पॉइंट पर डब्ल्यू एक्स अपॉन एल होती है। तो आप देख लीजिए, ये यहां पर लोड इंटेंसिटी से जो भी डब्ल्यू एक्स अपॉन एल है, कहीं भी निकालोगे, बात समझ आ गया ना? जब मैं देखो, यहां भी ये लोड इंटेंसिटी डब्ल्यू एक्स अपॉन एल से निकली है, वैल्यू भी डब्ल्यू एक्स अपॉन एल से ही तो निकली है। ये डब्ल्यू कहां से आया है? मेरी लोड इंटेंसिटी तो डब्ल्यू एक्स अपॉन क्या थी? एल थी। एक्स होती है यहां से दूरी, मान लो यहां से यहां निकालना चाहूं तो लोड इंटेंसिटी क्या होगी? यहां से यहां निकालना चाहूं तो यहां जब मैंने देखा तो यहां निकालना चाह रहे तो एक्स की वैल्यू एल के बराबर हो गई थी, तो यहां मेरा डब्ल्यू इंटू एल अपॉन एल हो गया था, इसलिए ये मेरा एंड पर तो निकल कर डब्ल्यू आ जाता। बीच में कहीं भी लोड इंटेंसिटी को रखूंगा तो डब्ल्यू एक्स अपॉन एल आपकी होने वाली है। तो यहाँ इसका ये जो कोऑर्डिनेट है, ये डब्ल्यू एक्स अपॉन एल है, ये एक्स डिस्टेंस है, तो एक बटे दो आधार एक्स इंटू ऊंचाई कितनी? डब्ल्यू एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा भाई? देखो, एक डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा और क्या है ये तीन, तो एल बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू जीरो, यही हो जाएगा। उधर ले जाइए, उधर ले जाइए इसको, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एल उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एल बराबर एल बाई थ्री, एक्स स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन थ्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा? l रूट थ्री हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है, x बराबर क्या हो जाएगा? l अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। तो ये कहता है कि x अपॉन रूट थ्री पर अपना शियर फोर्स जो है साइन चेंज करेगा। x अपॉन इसको l रूट थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये इसको और मैं क्या लिख सकता था? आप कैलसी से सॉल्व कर लीजिए इसको, और आप क्या लिख सकते हैं? मेरा ये या एक बटे रूट थ्री देख लीजिए कितना हो जाएगा भाई, रूट थ्री वन भाग रूट थ्री 1.732 पॉइंट 557 एल हो जाएगा, या मैं इसको कह सकता हूं पॉइंट 557 एल दूरी पर ये अपना साइन चेंज करने वाला है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई कितनी दूरी पर इसमें शियर फोर्स साइन चेंज करेगा या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, तो जीरो लोडिंग कंडीशन से ये जो है कितना दूरी पर निकल कर आएगा? या तो एल अपॉन रूट थ्री बोलूंगा या 0.577 एल बोलूंगा, कुछ भी बोल सकता हूं। और अगर इधर से पूछता, मैक्सिमम लोड कंडीशन से पूछता, तो ये कितना हो जाता भाई? 0.423 एल हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना भाई, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें एक चीज और निकाल सकते हैं भाई, मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताओ, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी? तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मैं, और क्योंकि आपसे क्वेश्चन इनमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ही पूछता ज्यादातर, कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताओ कितना आएगा। इसमें अगर आपसे कहता कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताइए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखिए क्या होगा। लास्ट में इनको केस, इनको सबको लिखते रहो, पढ़ते रहो, लास्ट में टेबुलर फॉर्म में देखो, आपको मजा आ जाएगा। फिर कि यार हाँ, ये तो मैंने पढ़ लिया था, मेरे बहुत अच्छे से समझ आ गया था अभी तो पूरा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपना कितना आ जाएगा भाई? मैं यहां निकालना चाह रहा हूं तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम एक्स हो रहा है, तो मैं इधर से आऊं, देखो क्या क्या है इधर, एक तो रिएक्शन है आर ए,
इंटू रूट आर ए बाई लोड गुणा डिस्टेंस। ये रिएक्शन जी थी इसकी, तो आर ए इंटू क्या है एल अपॉन रूट थ्री, आर ए इंटू क्या है एल रूट थ्री माइनस, अब ये डिस्टेंस पता लग गई मुझे, एक्स की डिस्टेंस पता लग गई, एक्स कितना है एल अपॉन रूट थ्री है। तो मेरा तो अभी एक तरह से जो मैंने अभी किया था कि भाई टोटल लोड, आपका टोटल लोड इंटू सी जी करेंगे, यहां मैं मोमेंट निकालना चाह रहा हूं, यहां पर कितना हो जाएगा, पहले तो इसका टोटल लोड निकालो, टोटल लोड कितना हो जाएगा इस वाले पोर्शन का, टोटल लोड देखिए इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का टोटल लोड देखिए इस वाले का, इस वाले का जो एल अपॉन रूट थ्री का स्पान है, ये यही 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 तो निकालना चाह रहा हूं भाई। तो ये एल अपॉन, और इसकी जो लोड इंटेंसिटी वो कितनी आई पड़ी, देखो मैंने लिखा था डब्लू W इंटू ये कितनी होती है डब्ल्यू एक्स, तो x की वैल्यू आ गई थी मेरी आपका L अपॉन रूट थ्री इंटू एल डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, ये अरे यही तो है आपका, आप देख रहे हो ना, मैं देखिए इसमें वैल्यू रखना चाहूं डब्ल्यू एक्स अपॉन, तो W अपॉन एल तो ये रहा, x क्या है x मेरा आ गया था L L अपॉन रूट थ्री, मैंने यही तो लिखा डब्ल्यू एल अपॉन एल रूट थ्री। तो एक बटे दो इस वाले का एरिया निकालना है टोटल लोड करने के लिए, एक बटे दो आधार एल अपॉन रूट थ्री, क्योंकि एक्स की जगह मैं एल अपॉन रूट थ्री ले लिया इंटू ऊंचाई, ऊंचाई डब्ल्यू एक्स अपॉन एल की जगह ये ले लू, इसको काटना चाहेंगे जब काट लेंगे डब्ल्यू अपॉन एल इंटू एल अपॉन रूट थ्री इंटू सी जी। अब मैं जब मोमेंट यहां निकाल रहा हूं, यहां निकाल रहा हूं, तो यहां से जो मैक्सिम आपकी सीजी होगी इसकी, ये यहां से बेस है, बेस से कितनी दूरी पर होती है एक बटे तीन इंटू स्पान, अब स्पान क्या है ये एल अपॉन रूट थ्री, भाई जो भी ये स्पान होगा उसका वन बाई थ्री इस बेस से, इधर से होते टू बाई थ्री, तो कितनी हो जाएगी एक बटे तीन इंटू क्या है स्पान, स्पान पोर्शन किस क्या है इसका, अब ये एल अपॉन रूट थ्री, काटा पीटी कर लो जो भी कट रहा है आपका, देखिए एक एल से एक एल कट जाएगा और क्या हो जाएगा भाई, और कुछ कट रहा है क्या, ये कितने हो जाएंगे तीन तीन नौ अठारह हो गए, और अब देख लीजिए इसको क्या आएगा फाइनली, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्यों घबरा रहे हो। तो एम एक्स जो है मेरा क्या हो जाएगा आप देखिए, एम एक्स कितना था डब्ल्यू आर ए कितना था डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू एल अपॉन रूट थ्री माइनस ऊपर क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखो तीन और तीन ये तो तीन हो गया, तीन तीन नौ, नौ दूनी अठारह, अठारह रूट थ्री, अठारह रूट थ्री क्या हो जाएगा एम एक्स, अठारह रूट थ्री ले लें भाई, यहां तीन छेती अठारह थ्री डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर, क्या बच जाएगा टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन अठारह रूट थ्री, दो से काट दीजिए, दो से काट दो इसको, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन नौ रूट थ्री, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा नौ रूट थ्री आपका हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इसका, इस वाले में दो ही चीज तो पूछ रहा है आपसे, ये सारी मैंने कैलकुलेशन कर करो कर दो ही चीज तो आपकी इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, इसमें एक तो पोजीशन वेयर शेयर फोर्स चेंज साइन, एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका जहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, ये लो जी एल अपॉन रूट थ्री,
या 0.557 L, या वो कहेगी जी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जी मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो मेरा आंसर सीधा आ जाना चाहिए डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 9√3 हो जाएगा जी। डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 9√3 हो जाएगा। तो दो चीजें आपको बस इतनी सारी रामायण पढ़ाने के बाद में इसमें दो चीजें आपकी बस मैंने देखी कि क्या क्या आंसर हो जाएगा, बाकी तो ये सारा कैलकुलेशन है, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। लास्ट में टेबल और फॉर्मों में आपको याद करनी है, जहाँ कुछ भी ये कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई मतलब आपका नहीं होगा, लेकिन अभी आप सीख लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यार ये कहाँ से आई है, ये वैल्यू कैसे आई। कल को आपको निकालनी पड़े तो आप निकाल सकते हो, एक बार देखो निकालना जरूर, आपको टिपिकल सा लग रहा होगा, है कुछ भी नहीं लेकिन है तो सिंपल ही अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। अगले केस में चलें भाई, तो ये मेरा केस एक कंप्लीट हो गया। एक और केस इसमें करा देता हूं, दोनों तरफ से आपके लोड इक्वल लग रहे हैं। नेक्स्ट इसका अगला केस और ले लूं, ग्रेजुअली बेरिंग लोड ही लग रहा है। ये जो केस था पीछे वाला, ये तो क्या केस था, जीवीएल लोड ग्रेजुअली वेरिंग लोड, जीवीएल लोड है 0 at 1 point एंड मैक्सिमम एट अदर पॉइंट, मैक्सिमम एट अदर पॉइंट कि भैया एक पर जीरो है और दूसरे पर क्या है, मैक्सिमम है, तो आपने देखा कि आपका ये वैल्यू निकल कर आ गई थी। अगला केस जो मैंने पढ़ा, अब ये अगला पढ़ने वाला हूं, उसमें कह रहा हूं जीवीएल लोड ग्रेजुअली वेरिंग लोड है भाई, जीवीएल लोड है ग्रेजुअली वेरिंग लोड, ग्रेजुअली वेरिंग लोड 0 at both points, 0 at क्या है both points एंड मैक्सिमम एट इट सेंटर। दोनों पॉइंट्स पर जीरो है और सेंटर पर मेरा क्या है, मैक्सिमम है। इस केस के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। मैंने देखा कैसे बनेगा, तो ये मेरा ये वाली लोडिंग कंडीशन हो गई जी, ये मेरी है। और ये नॉट थ्री में पढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली लाइन वाइन ड्रॉ करने का इसमें ऑप्शन है नहीं, कहीं तुम सोचो कि साहब सीधी लाइन ही ड्रॉ कर लो ना, है ना। तो ये बिल्कुल इसके सेंटर पे है, थोड़ा सा आपको और सेंटर इसका हल्का सा बनाना पड़ेगा। बेसिकली नॉट थ्री में पढ़ा रहा हूँ, उसमें ये ऑप्शन नहीं होता है आपका। अरे यार रुको, ऐसे करके आपका बिल्कुल सेंटर में मैक्सिमम है, ये जो सेंटर में W है, मतलब इस W कौन सा है, स्मॉल W है भाई, W कौन सा है आपका, ये स्मॉल W है, ये आपके धीरे धीरे बढ़ाए ऐसे इधर से, ये लोडिंग कंडीशन। सबसे पहले वही टोटल लोड की बात करो, टोटल लोड कितना है, तो टोटल लोड देख लो इसमें, मैं कहूं टोटल लोड जी, मेरा जो टोटल लोड है, या मैं कहूं सपोर्ट रिएक्शन, कहूं टोटल लोड से वर्ड में, अच्छा सपोर्ट रिएक्शन वर्ड बोलूं भाई, सपोर्ट रिएक्शन, समीशन वर्टिकल इज इक्वल टू जीरो, तो ये ए था
और ये मेरा बी था, तो मैंने क्या कहा, आर ए प्लस आर बी, ये तो अपवर्ड है, डाउनवर्ड ये यूडी, ये जीवीएल लग रहा, कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, भाई टोटल लोड ये इसका ऐसे ही होगा ना, ट्राइंगल है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वही WL/2, तो आर ए प्लस आर बी, ये मेरा आ गया WL/2। मैं क्या रिएक्शन निकालिए, अब वैसे तो देखो क्लियर है, इसमें इसमें मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना, WL/2 का आधा आधा हो जाएगा। दूसरी बात ये देखो, और एक चीज आपको ध्यान मैं करा देता हूं कि मेरी जो ये रिएक्शन आई है, ये मेरी रिएक्शन आई है, देखो मैंने अभी कहा कि इसमें जो ये टोटल लोड आता है ये WL/2 है, तो कई बार ये इसको कैपिटल W की फॉर्म में बोल लेता है, स्मॉल WL/2 को, ये मैंने कल भी बार बार सिखा रहा था या जोर दे रहा था, तो कभी भी अगर टोटल की टर्म में दिखेगा तो टोटल की टर्म में ये रिएक्शन, ये जो आर बी थी, जो आर बी मेरी है, ये जो मेरी आर बी आई है, डब्ल्यू एल स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल WL/3, अब इसको देखो मेरे को WL/ कैपिटल W, तो क्या 2/2 से कर सकता हूं क्या, क्योंकि अब मेरे पास बढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए, 2 का भाग देना था मुझे, तो भाग इसमें 3 में जा ही नहीं रहा, तो ये थोड़ा सा ऐसे WL/2 इंटू 2/3 लिख सकता हूं मैं इसको, अरे लिख सकता हूं क्या, ये कितना हो जाएगा, ये कैपिटल W हो गया, तो 2/3 कैपिटल W हो जाएगा ये आर बी, ऐसे ही आर ए क्या हो जाता, देखो 2 का भाग देना होता है सीधा सीधा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये समझ गया ना, 2/3 W हो गया भाई, ऐसे इसका, अरे 2/3 आपका इसके तरह, एक तरह से इसमें 2 का भाग देके डेढ़ करना था इसको, एक ऊपर से एल कम करना था, तो यहाँ 2/3 आपका हो गया 2/3, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग दे दो आप, तो कितना हो जाएगा, आर ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 का भाग दे देंगे, तो ये डब्ल्यू एल सॉरी डब्ल्यू इंटू एल बाई ए ऐसे हो गई, ये आपकी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता था, यही लिख दो इसको भी, ये जो है आर ए, आर ए क्या हो जाएगा, WL/6 है, तो WL/2 इंटू क्या है, 1/3, तो ये कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, तो आर ए क्या हो जाएगा, W/3, मतलब कई बार आपकी कैपिटल डब्ल्यू की फॉर्म में निकालता है तो ऊपर से एक एल कम हो जाता है, नीचे की संख्या में 2 का भाग लग जाता है, तो ये देख लीजिए आपका, ये मेरा आर बी हो गया था, है ना, वही 2/3 हो गया कि नीचे 2 का भाग दे दिया मैंने, तो ये आपकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना, ऊपर से ऊपर डब्ल्यू बढ़ा दो, ऊपर का एक एल कम कर दो, ऊपर डब्ल्यू बढ़ा दो, नीचे की संख्या में 2 का भाग दे दो, जब 3/2 करा तो 2 ऊपर चला गया, तो देखो 2/3 हो गया, इस संख्या में मैंने ऊपर से कैपिटल डब्ल्यू बढ़ा दिया, डब्ल्यू इंटू एल की जगह एक तरह से एक एल कम कर देते हैं, और नीचे की संख्या में 2 का भाग दे दिया, मैंने कल यही तो सिखाया था, वापिस देख लो भाई, क्योंकि ये बहुत आपको पूछता है, आर ए ये मेरा था, तो ऊपर से एक एल कम करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू बढ़ा देंगे, तो ऊपर डब्ल्यू अपॉन 6 में मैंने 2 का भाग दिया तो 3 आ गया, मैंने यही लिखा है, अरे 3 आर बी मेरी, ऊपर एक एल कम करो, ऊपर एक एल कम करो, नीचे की संख्या जो 3 में था इसमें 2 का भाग दे दो, ऊपर ले जाइए, तो 2W/3 हो गया, तो 2W/3 लिखा है मैंने, देखो 2W/3, ऐसे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे कर सकते थे, इसको भी आप क्या लिख सकते थे, या क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू की फॉर्म में भी पूछता है बच्चों आपसे, मैं ऊपर से एक एल कम करूं तो कैपिटल डब्ल्यू इंटू एल हो गया, एक एल कम होते कैपिटल डब्ल्यू हो गया, नीचे की संख्या में 2 का भाग दूंगा, आप साढ़े या तो 4.5√3 लिखो, नहीं तो ऊपर ले जाओ ना उसको, ऊपर ले लो 2√3, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटी छोटी गलतियां और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको कई बार मिस को कर सकते हैं, तो ऐसे होगा तो ये कैपिटल डब्ल्यू होगा, इस तरह से पूछ रहा है तो ये स्मॉल डब्ल्यू है,
बात समझ गए ना आप। बाकी तो लास्ट में जब टेबल में लिखवाऊंगा, जब वहां और जो भी चीजें होंगी सब खत्म कर दूंगा आप लोगों के जो डाउट होंगे। तो आरे पे और मेरी आर भी हो गए, मोमेंट ले लूं मैं, मोमेंट एट ए पॉइंट। वैसे तो मुझे समझ आ गया मोमेंट एट ए, लेने की भी जरूरत नहीं थी मुझे। मोमेंट एट ए पॉइंट अगर मैं लेना चाहूं तो मुझे पता है कि भाई आपका आधा आधा ही जाना है दोनों पर, लेना भी चाह रहा हूं तो मैं ए पर ले लिया, तो आर ए इंटू जीरो प्लस आर बी इंटू एल माइनस टोटल लोड इंटू सी जी। टोटल लोड भाई, टोटल लोड तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई डब्ल्यू इंटू एल, ये तो टोटल लोड हो गया, ये तो टोटल लोड है इंटू सी जी। अब देखो इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, पीछे वालियों में तो सी जी ये था भाई इधर से इतनी दूरी पर होगी, इधर से इतनी दूरी पर होगी, इसमें तो बिल्कुल बीच में होगी भाई, इसमें दोनों तरफ से बराबर, तो सीधा ही सी जी, इसमें तो एल बाई टू दूरी पर ही होगी। दिमाग भाई उसमें तो क्या है, उसमें तो लोड ऐसे था कि एक तरफ से तो जीरो से जा रहा था और एक तरफ मैक्सिमम हो गया था, इसलिए इसमें तो ये था कि ट्राइंगल ऐसा बना था, तो इधर से तो ये जो सी जी थी कितनी थी 2L/3 थी, और इधर से क्या होती है ट्राइंगल सेप था, इधर से ये L/3 था, इसमें तो आपका ऐसा ट्राइंगल है दोनों तरफ से बराबर बराबर गया है, तो बिल्कुल सी जी इसके यही होने वाली है, सी जी बिल्कुल सेंटर पॉइंट रहेगी, तो सी जी यही होने वाली है, तो चाहे ए से देख लो चाहे बी से देख लो L/2 पर ही रहने वाली है। तो आर बी इंटू एल उसको उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा WL² / WL² / 4, एक एल से एक एल कर दो, तो आर बी WL/4 आपका रह जाएगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, देख लो ना इसका आधा ही तो रहना है, इसका आधा, और आर ए बी यही रह जाएगा, आर ए बी WL/4 ही रह जाएगा। अब इसको चाहते तो टोटल की टर्म में ले सकते थे, या क्या करूं कैपिटल W/2, भाई ये कैल कम कर दो नीचे संख्या भाग दे दो, या कैपिटल W/2, जैसे ये आपका टोटल, इसको या कैपिटल W बोल सकते थे। अरे ऊपर से ये कैल कम होके नीचे 2 का भाग लग जाएगा, ग्रेजुअली बेयरिंग लोड है, ऐसे ही तो कर रहा था मैं, तो मेरा भी जो है निकल के आ गया, मेरी रिएक्शन निकल के आ गई, रिएक्शन निकल के आ गई, मेरा SFD ड्रॉ हो जाएगा, मेरा इसे क्या हो जाएगा SFD ड्रॉ हो जाएगा, इसका SFD शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। ये इसका SFD डायग्राम बनने वाला है, ठीक है ना, तो शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब इसमें वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछनी है कि भाई कितना होगा सेंटर, आप पोजीशन तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, तो आपसे कहेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और देख लीजिए इसमें कि भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू देख लो कितनी निकल के आ जाएगी, सेंटर पर ही होगा क्योंकि शियर फोर्स ही सेंटर पर से चेंज कर रहा है, इनमें तो निकालने की जरूरत नहीं है, और अगर आप निकालते भी तो आप निकालते भी है, आप कह तो नहीं साहब मैं तो आपकी बात नहीं मान रहा, मुझे तो बताओ कि भाई क्यों होगा बीच में, मैं तो नहीं मान रहा जी आप भाई बिल्कुल नहीं मानोगे तुम तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां होगा जहां शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा। अब शियर फोर्स साइन चेंज करने के लिए मैंने देखा था कि भाई अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स बराबर जीरो,
क्योंकि भाई जहां शियर फोर्स साइन चेंज करेगा तो यहां मान लो अगर 20 खड़ा था ऊपर तो ये 20 आके आते आते जीरो हो गए, तभी तो अगर मान लो या 20 ऊपर खड़ा था तो 20 ही तो चला ही इसके कारण, तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अपवर्ड तो मेरा कितना है, अपवर्ड तो मेरा है ही, कितना था आपका डब्ल्यू एल बाई फोर था आपका जो निकल का ही रिएक्शन, तो डब्ल्यू एल बाई फोर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इस वाले का आप निकाल लीजिए, ये वाला इसका एरिया निकाल लीजिए, 1/2 आधार, आधार अब एल बाई टू होगा इंटू ऊंचाई डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। मैं मतलब अभी इसको एल बाई टू नहीं मानू, मैं तो ये मानू मैं तो निकाल रहा हूँ पोजिशन निकाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी दूरी पर है, वैसे तो एल बाई टू मैं तो एक्स निकालना चाह रहा था, तो ये मेरी क्या आ जाएगी भाई, क्योंकि मैं मुझे पता नहीं था 1/2 एक्स इंटू डब्ल्यू, तो देख लीजिए क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, ये दो एक्स बराबर एल बाई टू हो गई। वो कह रहा है एल बाई टू पर वो अपनी क्या करने वाला है, लोकेशन को चेंज करने वाला है या पोजीशन को आपका को क्या करने वाला है, वो चेंज करने वाला है। तो आपने देख लिया कितनी वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहां पर आप चेक कर चुके हैं भाई कितनी वैल्यू आपकी हो जाएगी, एल बाई टू पर हो जाएगी। अब यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लो, तो एम मैक्स मेरा क्या आ जाएगा देखिए, मैक्सिमम एम मैक्स यहां निकालना चाह रहा हूं, सेंटर पर होगा यही एम मैक्स होगा भाई, कितना हो जाएगा इधर इधर का लोड लेना है, तो आर ए इंटू एल बाई टू माइनस इधर वाला लोड ये 1/2 भाई, इधर इधर का लोड टोटल लोड 1/2 आधार, अब इधर वाले का एक्स मतलब ये जो है 1/2 एल बाई टू इंटू ऊंचाई, ये टोटल लोड आ गया भाई इधर, ये टोटल लोड है इंटू सीजी। अब सीजी जहां मोमेंट पॉइंट निकालते वहां से सीजी लेने, मोमेंट में निकालना चाह रहा हूं यहां पर, यहां से कितनी दूरी पर आती है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, मोमेंट यहां ले रहा हूं तो बेस से होती है स्पान बाई थर्ड, और इधर से होती है 2/3 इंटू स्पान। अब इसमें इधर से यहां ये स्पान पोर्शन कितना है जिसका ले रहे हैं, एल बाई टू है, तो एल बाई टू का 1/3 क्योंकि स्पान एल बाई टू का 1/3, तो कितनी हो जाएगी भाई, तो मैंने यहां देखा कितनी हो जाएगी स्पान बाई थर्ड, तो स्पान कितना है एल बाई टू इंटू थर्ड मतलब 1/3, वैल्यू देख लीजिए सॉल्व कर लीजिए इसको कितना आ रहा है ये भाई। वैसे फिर बोल रहा हूं आपको सीधी वैल्यू ही ध्यान रखनी है, अभी तो मैं आपको करा रहा हूं, बस इनको करा रहा हूं लास्ट में सब आपको ये ध्यान रखना सीधा ही। तो एम मैक्स जो है आर ए कितना था डब्ल्यू एल बाई फोर इंटू एल बाई टू माइनस ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 × 4, 4 × 8 = 24 एम एक्स कितना ले ले 24 ले ले, ये 8 है 3 WL² माइनस WL² कितना हो गया 2 WL² अपॉन 24 काट लीजिए क्या हो जाएगा WL² अपॉन 12, या कैपिटल की टर्म में लेंगे तो W इंटू एल, ऊपर से एक L कम कर दिया नीचे संख्या में भाग दे दिया दो का, तो या तो WL² / 12 या WL/6 आपका आ जाएगा, बात समझ गए भाई। तो ये इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका हो जाएगा, तो ये जो बेंडिंग मोमेंट है कुछ इसका इस तरह से आपका बनने वाला, देखो पैराबोलिक जैसे ही दिखेगा, बस इक्वेशन क्यूबिक पैराबोलिक ही है, ऐसा ही दिखेगा आपका WL² / 12 या WL² / क्या बोलूं
12 बोलू या कैपिटल डब्ल्यू एल अपॉन 6 आपका हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन का क्या हो गया है भाई, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया। पीछे भी डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला था, बस वो आपका क्यूबिकल का जैसे आपके उनमें दिखते हैं ना, आपका यूडीएल के केस में दिखते हैं ऐसा ही दिखेगा भाई। इसका भी डायग्राम कुछ ऐसा ही बनने वाला था, मैं यही दिखा दूं, ऐसे जाकर इस तरह से ही आपका आ जाएगा वही। बस ये जो है पैराबोलिक, क्यूबिक पैराबोलिक शेप है, मतलब क्यूब वाली इक्वेशन बन रही है इनमें, और जो सिंपल उसका होता है, उसका यूडीएल का होता है, वो पैराबोलिक स्क्वायर पैराबोला होता है। ये सब क्या है, क्यूबिक पैराबोला है, मतलब क्यूब वाली इक्वेशन देखो इनमें। और जो यूडीएल वाला था वो पैराबोलिक तो था, लेकिन कौन सा था, स्क्वायर पैराबोलिक था वो भाई, है ना। ये जो था पैराबोलिक तो था, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर पैराबोला था, क्योंकि इसमें स्क्वायर की शेप आती है, उसमें क्यूब की इक्वेशन आती है। तो इस तरह से मैंने देखा कि आज के यूनिट में तुम्हें कई केस मैंने और करा दिए हैं। धीरे धीरे ये चैप्टर आपका 5 यूनिट, अभी 5 लेक्चर इसमें हो गए, मेरे हिसाब से 6-7 लेक्चर्स इसमें अभी और होंगे, तब जाके ये यूनिट कंप्लीट होगी। तो इसमें 12 से 15 लेक्चर अपने लगेंगे, ठीक है ना, तब जाके ये फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अब मैं क्वेश्चन करने की कंडीशन में आ गया हूँ। तो आज के लिए इसमें इतना ही, इससे आगे की बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप पढ़ते रहिए, फिर बोल रहा हूँ एसएम के नोट्स अपने हाथों से बनाइएगा, एसएम के नोट्स में बिल्कुल आपको नहीं डालूंगा।